मैं मेनका दुबे, हिंदी टीचर, होली आर्ट्स एजुकेशनल एकेडमी। एक बार फिर से बच्चों आपके सामने, लेकिन इस बार जो मैं कहानी लेकर आई हूँ वो हास्य व्यंग पर लेकर आई हूँ। मुझे पता है ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। आपकी पाठ्यपुस्तक से ही है, वसंत भाग 3 कक्षा 8वीं बस की यात्रा, और इसके लेखक जो हैं वो हरिशंकर परसाई जी हैं। ये कहानी लेखक ने उस समय लिखी जब निजी वाहन सीमित थे। बस जो थी राज्य परिवहन की चलती थी और उन बसों की जो स्थिति थी बहुत ज्यादा दयनीय थी। उस पर आधारित यह हास्य व्यंग कहानी है। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये राज्य परिवहन की बस दिखलाना चाहती हूँ, जिसकी जो बस बहुत पुरानी हो चुकी है, जिसकी अवस्था जर्जर हो चुकी है। ऐसी बस पर यात्रा करने के लिए लोग मना करते थे, लेकिन लेखक और उनके 4 मित्रों ने इसी बस पर यात्रा की। अब सबसे पहले लेखक हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 को होशंगाबाद मध्य प्रदेश में एवं उनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 को जबलपुर में हुई। इस कहानी पर उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव को दर्शाया है। उन्होंने जो बस में यात्रा की, उन्हें रास्ते में जो परेशानियां आई, इस कहानी के माध्यम से हम सुनेंगे। अब बतलाया जाता है कि लेखक और उनके 4 मित्रों ने योजना बनाया कि आज शाम की बस से हम पन्ना से सतना और वहां से हम जबलपुर के लिए ट्रेन पकड़ेंगे, ऐसा उन्होंने योजना बनाया। अब कुछ लोग थे वहां, उन्होंने मना किया कि ये शाम की जो बस है इससे यात्रा करना सही नहीं है। तो लेखक ने यहाँ बड़ा व्यंग किया कि क्या रास्ते में डाकू मिलेंगे। लोगों ने बताया कि ये बस तो स्वयं डाकनी है, लेकिन उन्हें ये बात समझ में नहीं आई। अब बस के हिस्सेदार के पास जाते हैं लेखक और बोलते हैं क्या ये बस चलेगी। ऐसा क्यों पूछते हैं पता है? क्योंकि बस की अवस्था देख के, बस की जर्जर अवस्था को देखकर बस ऐसा लग रहा था कि बस श्रद्धा पूर्वक इस बस को देखा जाए और उसकी वो जो बस थी सिर्फ पूजा करने लायक थी। बस के जो मालिक थे उन्होंने कहा ये बस चलेगी और अपने आप चलेगी। लेखक के मन में लोगों के कहने के कारण शंका आ रहा था, आनाकानी कर रहे थे इस बस से हम चलें कि नहीं चलें। लेकिन जो उनके डॉक्टर मित्र थे वे बोले आखिर मैं भी तो इस बस में चल रहा हूं तुम्हारे साथ। नई नवेली जो बसें हैं वो धोखा दे सकती हैं, लेकिन ये बस तो बहुत पुरानी है, इसने कई लोगों को उनके मंजिल तक पहुंचाया है। ये बस हमें उसी प्रकार से ले चलेगी जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे को गोद में उठाकर चलती है, अर्थात उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देती, ठीक उसी प्रकार से ये बस हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी। अब डॉक्टर के कहने पर और हिस्सेदार मालिक के कहने पर लेखक ने सोचा चलिए बस की यात्रा कर ही लेते हैं। बस पे सवार हो गए, आखिरकार इंजन स्टार्ट हो गया। इंजन स्टार्ट हुआ तो लेखक को और उनके मित्रों को ऐसा लगा कि हम इंजन पर ही बैठे हैं। अब बस में बैठते हुए उन्हें गांधी जी के असहयोग आंदोलन की याद आ गई। बच्चों, यहां पर लेखक ने बहुत अच्छा व्यंग किया है। जिस प्रकार से भारतीय अंग्रेजी शासन के हुक्म को नहीं मानना चाहते थे, उनसे असहयोग करना चाहते थे, ठीक उसी प्रकार से बस की जो कांच की खिड़कियां थी टूट फूट चुकी थी, बस के जो सीट थे उनके कलपुर्जे थे, सब एक दूसरे से असहयोग कर रहे थे, कोई किसी के संपर्क में नहीं था। बहुत अच्छा व्यंग कहकर लेखक ने समाज की वास्तविकता, राज परिवहन की बसों की वास्तविकता को यहाँ पर सामने लाया है कि किस तरह से वो अपनी पुरानी जर्जर बसों को चलाया करते थे। अब कुछ दूर बस चली, बड़े धीमे गति से बस चल रही थी, अचानक पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। लेखक के मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे, क्या पता ब्रेक फेल हो जाए, क्या पता स्टेयरिंग हाथ में आ जाए ड्राइवर के। लेकिन ड्राइवर भी बहुत चालाक, सारे पेट्रोल को उसने बाल्टी पे इकट्ठा किया और अपने बाजू में रख लिया। लेखक को ये देखकर ऐसा लग रहा था कि कुछ देर में जो ये बस का हिस्सेदार है, मालिक है, वो इंजन को अपनी गोद में रख लेगा और नली से पेट्रोल उसी प्रकार पिलाएगा जिस प्रकार से माँ अपने बेटे को सीसी से दूध पिलाती है।
बच्चों यहाँ पर लेखक ने वास्तविकता को दर्शाया है कि जर्जर अवस्था में बस को जो लेकर जा रहे हैं और ये कंडीशन हो रही है उस पर लेखक ने यहाँ पर व्यंग किया है। थोड़ा दूर बस फिर चली, धीरे गति से बस चल रही थी और प्रकृति का जो दृश्य था बहुत ही अच्छा था। आजू बाजू पेड़ लगे थे, झील थी। अब पेड़ों को देखकर लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन नजर आ रहा था। क्यों नजर आ रहा था? उन्हें लग रहा था कहीं ये बस हमारी पेड़ से टकरा ना जाए। एक पेड़ निकल जाने पर लेखक थोड़ा राहत की सांस लेते थे और फिर दूसरे पेड़ का इंतजार करते थे। झील देखकर उन्हें ऐसा लगा कहीं ये बस झील में ना गिर जाए और झील पर गिरने पर हमारी बस गोता खाएगी, कई यात्रियों की मृत्यु हो जाएगी। इस तरह से बहुत ही बुरे बुरे ख्याल लेखक के मन में आ रहे थे। बस थोड़ा धीरे आगे चली, गति धीमी थी और फिर रुक गई। जो बस का मालिक था, जो हिस्सेदार था, अपने बस की काफी तारीफ कर रहा था। मेरी बस तो फर्स्ट क्लास बस है, ये पहली बार पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि सहयोग की बात है कि ये धोखा दे रही है, लेकिन आज तक इसने धोखा नहीं दिया। बस के मालिक ने इंजन को ठीक किया। अब यहाँ पर लेखक ने फिर व्यंग किया है कि ये बस उसी वृद्धा के समान लग रही थी जिस प्रकार से उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक उसी प्रकार से इस बस की हेडलाइट जो थी धीरे धीरे कम हो रही थी, बस की गति धीमी हो रही थी और किनारे जाके ऐसे रुक गई जैसे कोई वृद्धा थक गई हो, थक कर बैठ गई हो। और अगर बाजू से कोई बस निकलती तो कहती जा तू अभी तो जवान है, तू निकल जा, मैं बाद में निकलूंगी। इस तरह से वो बस की स्थिति थी। अब फिर बस चली, धीरे धीरे पुलिया पर पहुंची, गति धीमी थी, टायर अचानक फट गया। लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि बस की गति धीमी थी। अगर बच्चों बस की गति तेज होती तो पुलिया पे, सॉरी, बस पे जो सवार यात्री थे वो सारे पुलिया पे गिर जाते और अधिकांश लोगों की मृत्यु हो जाती। अब लेखक बस के हिस्सेदार को, मालिक को बड़े ही श्रद्धा भाव से देख रहे थे और बोल रहे थे कि इसका जो समर्पण है, त्याग है, ये इसका प्रयोग सही जगह नहीं हो रहा है। यहाँ पर लेखक ने बहुत ही अच्छा व्यंग कहा है और समाज की वास्तविकता को सामने लाया है, बस के मालिक की वास्तविकता को सामने लाया है। इस व्यक्ति को तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था और उसमें अपने प्राण को गंवाना चाहिए था जिससे इसकी कहानी अमर हो जाती। अब लेखक के मन में आता है यदि नाले में बस गिर जाती और सारे यात्रियों की मृत्यु हो जाती तो जो ऊपर बैठे ईश्वर है ना, वो बाहें पसार कर हमारा इंतजार करते और उस व्यक्ति का इंतजार करते, उस व्यक्ति का इंतजार करते, यहां पर बस के मालिक के लिए कहा गया है, उस व्यक्ति का इंतजार करते और कहते कि ये वही महान व्यक्ति है जिसने बस का एक टायर नहीं बदला और अपने प्राण गंवा दिए। बहुत ही अच्छा व्यंग यहां पर कहा गया है। फिर से टायर बदला गया, बस पुनः चल पड़ी। अब लेखक और उनके मित्रों को कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ चुके थे वो। उन्हें ऐसा लग रहा था कि पूरी जिंदगी लगता है इसी बस में गुजारनी पड़ेगी। हो सकता इसी बस में उनकी मृत्यु भी हो जाए, हो सकता वो ईश्वर तक इसी बस तक पहुंच जाएं। अब ऐसी परिस्थिति में भी उनका जो हौसला है वो नहीं डगमगाया। परिस्थितियों को उन्होंने भाप लिया था और ऐसी परिस्थितियों में भी वो सारी चिंताओं को छोड़ना चाहते थे और छोड़ भी दिए। और लेखक और उनके मित्रों ने अब बस पर हंसी मजाक प्रारंभ कर दिया। मंजिल तक पहुंच गए तो ठीक है, नहीं पहुंचे तो भी ठीक है, इस समय का हम क्यों ना आनंद लें। बच्चों, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि हमें मशीनरी चीजों का समय समय पर मरम्मत करवाते रहना चाहिए जिससे जान माल और समय की हानि से हम बच सके। हमें अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए। जिस प्रकार से उस बस के हिस्सेदार मतलब मालिक ने रखा था अपने बस के प्रति। बस इस कहानी में इतना ही, आगे हम फिर मिलेंगे। एक छोटा सा संदेश, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सरकार के निर्देशों का पालन करें।
धन्यवाद।